नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल माँ की रसोई विद निशा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मल्टीग्रेन चीला की रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसे आप बच्चों को टिफिन में या सुबह के नाश्ते में दे सकते हैं। आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। मल्टीग्रेन चीला बनाने के लिए मैंने लिया है मसाला ओट्स, सूजी, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, गाजर, प्याज, दही, बेसन। जी, मसाला ओट्स बेसन का घोल बनाते वक्त आपको मैं नाप बताऊंगी कितना लेना है। मैं घोल बनाने के लिए इस कटोरी से सूजी ले रही हूँ। ये दूसरी कटोरी सूजी और ये तीसरी कटोरी। अब इसमें एक कटोरी बेसन डाल रही हूँ और ये एक कटोरी ये मसाला ओट्स है। अगर आप चाहें तो सिंपल ओट्स भी ले सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, फिर दही डाल रही हूँ। तो मैं बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर रही हूँ ताकि ये इसमें अच्छी तरह से घुल जाए। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के घोल तैयार करूँगी। घोल को ज़्यादा पतला नहीं करना है, पानी अपने हिसाब से ही डालें। देख सकते हैं घोल हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसे आधा घंटा के लिए ढककर छोड़ दूंगी। हो चुका है, अब मैं ढक्कन को खोल रही हूँ और इसमें जो गाजर मैंने लिया था, प्याज लिया था, हरी मिर्च लिया था, तो मैं सबसे पहले गाजर को डाल रही हूँ। गाजर को मैंने घीस लिया है, प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं हरी मिर्च और कड़ी पत्ते को दरदरा पीस लूंगी। अब देख सकते हैं मैंने कड़ी पत्ती और हरी मिर्च को किस तरह से पीसा है। अब मैं इसे इस घोल में डाल रही हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फूलने के कारण घोल हमारा थोड़ा सा ठीक हो गया है, तो इसमें मैं और थोड़ी सी पानी डालूँगी। इस घोल को तैयार करने के लिए मैंने 3 कटोरी पानी यूज किया है। देखिए घोल हमारा इतना ही पतला करना है, इससे ज़्यादा पतला ना करें। इसे ज़्यादा पतला करने पर तवा पर चिपकने लगेगा। तवा को गैस पर चढ़ा दी हूँ, फ्लेम को ऑन कर रही हूँ। तवा को गर्म होने दें। हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं रिफाइन से तवा को ग्रीस कर लूँगी। अब फ्लेम को कम कर देना है। अब मैं तवा में घोल डाल रही हूँ। इसे इस तरह से हल्के हाथों से फैलाते रहना है। जब ये हल्का हल्का पक जाए तो इस तरह से पलट देना है। ये हमारा हेल्दी मल्टीग्रेन चीला बनके तैयार है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी आप सभी को अच्छी लगती हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।